नमस्कार साथियों, यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम दीपांश है और इस वक्त की अपडेट में हम बात करेंगे क्या है ट्रांसजेनिक फसल। हाल ही में 3 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ने एक नए प्रकार के ट्रांसजेनिक कपास बीज का परीक्षण करने के लिए केंद्र की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को टाल दिया है। कपास के इस नए ट्रांसजेनिक बीज में एक ऐसा जीन शामिल है जो पिंक बॉलवर्म के लिए प्रतिरोधी है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि पिंक बॉलवर्म या गुलाबी बॉलवर्म कपास के फसल को खराब करने वाला एक प्रमुख कीट है। ट्रांसजेनिक फसलों का तात्पर्य ऐसे पौधों से है जिन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से संशोधित किया गया है। इन फसलों के डीएनए में विशिष्ट जीन डाले गए हैं जो इन्हें नई विशेषताएं या लक्षण देते हैं। ऐसी विशेषताएं जो पारंपरिक प्रजनन विधियों के माध्यम से इन फसलों में स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती। आपको बता दें कि कपास एकमात्र ऐसी ट्रांसजेनिक या आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है। हाल ही में शीर्ष तकनीकी निकाय, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति के नाम से जाना जाता है, उसने अपनी 147वीं बैठक के दौरान आनुवंशिक रूप से संशोधित सरसों के संकर, जिसे DMH11 बोला जाता है, और इसकी अन्य वंशावलियों के पर्यावरणीय रिलीज को मंजूरी दी थी। जल्द ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली सरसों की भी भारत में व्यावसायिक रूप से खेती शुरू हो जाएगी। भारत में ट्रांसजेनिक या जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाली फसलों और उत्पादों से संबंधित सभी गतिविधियों का विनियमन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। इस मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन के आयात, निर्यात, परिवहन, निर्माण, उपयोग या बिक्री सहित सभी गतिविधियों की समीक्षा और निगरानी की जाती है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।